तीसरा दिन और कल से हम वापस अपने रूटीन मतलब उसमें। मम्मी देखे व्यूअर, ये मम्मी कितना रश है यहाँ पे। व्यूअर्स देखे कितना रश आज के दिन के ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आज है ईद का तीसरा दिन और कल से हम वापस अपने रूटीन मतलब उसमें रिकॉर्डिंग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने ब्लॉग के अंदर कि सेकंड डे है, लेट हो गए थे, टाइम नहीं संभाल पाई मैं, तो मुझे अपनी सास के पास ही मिलना था, मतलब कि अलीजे की दादी के पास जाना था और साथ में मम्मी के पास भी जाना था। तो बस ये है कि अभी जल्दी जल्दी बस मैं केक लेती हूँ, फिर हम वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, आपको भी मिलवाते हैं ताकि वो भी अपने व्यूअर्स को विश करें। ठीक है जी, और क्या पहना है मैंने और अलीज नहीं दिखा देंगे, लेकिन झुमके मेरे वो नहीं हुए, कुछ ना कुछ जो है क्या? ये तो झुमके मैंने पहने हुए, ये लगे ईद का लॉन के जोड़े पहने, लेकिन झुमके पहनने थे। एक दूसरा सेट निकाल रही थी तो मगर वो शबाना चाहिए थी छुट्टी पे, तो फिर मैं दरवाज़ा लॉक करना था, मैं कहा छोड़ो। तो चले हम चलते हैं केक लेते हैं, उसके बाद अलीसे के दादी के घर। ड्रेस देखो जी, मैं अच्छे अच्छे देना बड़े जाम नहीं, ऊपर पर से दो ना ज़रा। हाँ ये ऊपर पर जो है जामन ले रही हूँ, और इसको जो है पाए द स्काई में मैं बड़े चीज़ें ले लूँ रिफ्रेशमेंट्स की। मैंने कहा वो लोग कोई चीज़ ऐसी, मैंने पिज़्ज़ा ले ली है, चिकन पैटीज ले ली है, बिस्किट्स ले ली है, प्लेन केक ले लिया, अब थोड़ा सा ये आई थिंक ये भी थोड़ा सा ले लेती हूँ पाए द स्काई अंदर है। चले यही ले लिया सब, और तो बहुत अच्छी लगती है क्या करूँ मैं, क्या बहुत अच्छा हाल चाल है, बहुत मेरे को तो बहुत प्यारा लगा तुम्हारा सूट। अब नहा के निकलो तो मेरे को दाइयो मैं पहनूंगी, आपको ला दूंगी ना इसी के बाद पहनो। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तैयार है इधर शलवार बोलो बोलो, मेरे को कपड़ा थोड़ा प्लेन चाहिए ऐसा, क्या मतलब ऐसा डिजाइन वाला। अच्छा प्रिंट अच्छा लगा है उनको, मजाक करती आंटी। कैसे आंटी? अरे दो दिन से आना हो रहा है कि आऊं, टाइम ही नहीं मिला, आज भी मैं खास आई हूँ। अच्छा कल आए थे, अब दो दिन रुक जाओ यही घर को ताला लगा दो। अरे नहीं मैं घर को तो बिठा दो, कल से रिकॉर्डिंग पे जाना है मुझे। रिकॉर्डिंग जावे दादी का है, इसी नहीं चलेगा दादी का, मेरे कमरे का, मेरे कमरे में बैठना पड़ेगा। ओह सॉरी, हाय हाय मम्मी, उतर 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 मीने ईद मुबारक मम्मी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं मम्मी टू के साथ जो है ना, और ये खदेजा आपा खा रहे हैं, कि तबीयत ठीक नहीं था, अब सही है, देखो जरा बैठी हुई। हाँ खाए मम्मी, चले खाए। बोले मेरे व्यूअर्स को आप विश कर सकती हैं, आप देखते हो ना मेरे यूट्यूब पे? नहीं देखते यूट्यूब पे आप? हाँ देखती हूँ मैं, देखते ना। अब बोलो, आप बोलो ईद मुबारक सबको बोलो। अच्छा बोले ईद मुबारक, ईद मुबारक खुद से आप ही बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ठीक है चलो वेरी गुड, खाए मम्मी खाए चले। तो व्यूअर्स देखा आपने कि बस मैंने अपनी जो अलीसी की दादी और फिर जो मेरी फुप्पो सास थी उनसे मुलाकात हुई, बहुत खुश होते हैं जब भी मैं जाती हूँ, बहुत दुआएं देते हैं मुझे, वहाँ बैठ के भी बाहर अपने घर में तकलीफ होती कि आप लोग क्या करते हो, निकला करो, थोड़ी देर के लिए निकलो, अपनी रूटीन को सेट करो। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस साइड हूँ, क्लिफ्टन नीलो यहाँ रहते हैं, तो ये होता है ना कि ज़रा फिर इतना मैं आ भी नहीं सकती हूँ, इतने बिजी होते हैं, लेकिन जब मुझे टाइम होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कभी अपने घर बुला लूँ कि थोड़ा चेंज मिले। ये ओल्ड एज बस अल्लाह मियाँ सबको चलता फिरता रखे, हम सब ने एक दिन बूढ़े होने चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग कि आप हमेशा अपने बड़ों का, अपने आपके माँ बाप हों उनका ख्याल रखें। देखें ये हम पर भी आनी है स्टेज,
ये भी सोच लिया करो, एक कुदरती नेचर होती है कि यार कुछ टाइम निकले, ड्राइवर हो निकले, तो अपने आप को हमेशा फिट रखें, एक्सरसाइज करें और खाते पीते रहें, अच्छी एनर्जी वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि देखें ना फिर ये होता है कि आप किसी का मोहताज ला रहे हैं। तो बाहर अब मैं जा रही मम्मी के, देखें भैया ये मम्मी घर आई हुई है, मम्मी का एंटरटेनमेंट है, 7 बजे से बैठ जाते हैं टीवी देखने, और ज़्यादा दावत में नहीं जा रही। देखिए जी मम्मी घर आ गए हैं, अभी मम्मी जो है ना बस कहीं नहीं जा रही, घर पे ही हैं। तो नहीं आ गया? अच्छा अब पूछते हैं। और बाकी जो है वो मुमारी घर से रान आई थी, तो किरण और मेरी कहीं ले जाओ अपने साथ, और इनके लिए जो है भी कुछ हम चिकन बर्गर ऑर्डर करेंगे, और मैं जाऊंगी। व्यूज देखें, ईद मुबारक बोल दो लोगों को। ईद मुबारक। मैंने इसको मम्मी घर से वापसी पिक किया, अब हम जा रहे हैं मूवी, मुझे लग रही भूख, तो अब हम या तो सब्वे खाएंगे, पहले मैं कहा पठान की चाय पीते हैं, है ना फहीमा? जी हाँ पठान की चाय, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगी, ग्रीन टी पी। ये ग्रीन टी पी रहा, मैं तो बिल्कुल जो है ना बस पी रही हूँ और ना एक्सरसाइज हुई है। चलें इसके बाद चाय के बाद हम चलते हैं न्यू प्लेक्स, फिर वहाँ आपको दिखाते हैं हमने क्या पहना हुआ है। बस हम आ गए हैं अपना जो है, ये चल गई एक्सलेटर्स, फहीमा मेरे साथ है, हेलो, और हम अल्लाह इतना रश क्यों है फहीमा, आए हाय। अच्छा ऑर्डर दे देता हूँ, सब्बे खाना है मुझे पहले। कितना रश है यहाँ पे, सारे खा रहे। हेलो अब्बा, हेलो हेलो, लुकिंग ग्रेट। यस हेलो, अभी आसिया भी आ रही है, ज्वाइन करने वाली है, और हम खा रहे हैं सिक्स सिक्स सैलेड। शुक्रिया। चलो टाइम टू हैव सबवे। सही कितना रश आज के दिन में ना यहाँ पे, और ये मैं खा रही हूँ। यस ये आ गए मियाँ बीवी, आसिया जी है, ईद मुबारक। और सादिया ने कहा कि 11 बजे के शो में आते तो वो आती, अलीजे भी आ रही है, उसकी टिकट आ रहा है। रश देखें आप कितना हो रहा है व्यूअर्स। फहीमा फहीमा बेटी भी आई हुई है, हानम ये अपना सारे खत्म कर रही है। व्यूअर्स देखें मुझे ऐसे मिलता है फ्री होंडा टैक्स। गिर गया क्या गिरा? एक पॉपकॉर्न गिरा। अच्छा और फहीमा ने गिर गए, हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न, हम कितने यहाँ अपना ईद का थर्ड डे एंड करते हैं। बैड बॉयज मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, हम सब ने अपने अपने रिव्यूज तो बहुत अच्छी बोलती है ना। बैड बॉयज गुड, चले जी नाइट टाइम टू गो। कैमरा तो साफ करती।